यूएसए में मेम्फिस स्थित सेंट जूड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज और यूनिवर्सिटी ऑफ टेनिस हेल्थ साइंस सेंटर के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा किए गए साहित्य की समीक्षा के अनुसार मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक वायरल संक्रमण से गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ाता है। इस रिसर्च को जर्नल ऑफ वायरोलॉजी में प्रकाशित किया गया है, जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी का प्रकाशन है। आपको बता दें कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले कारक बढ़ जाते हैं, जो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा और अनियंत्रित कोलेस्ट्रॉल के संयुक्त रूप को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन या CDC ने हाल ही में मोटापे को SARS-CoV-2 के कारण होने वाली गंभीर बीमारी का रिस्क फैक्टर बताया है। रिपोर्ट के अनुसार कई अध्ययनों से पता चला है कि मोटापा इन्फ्लुएंजा ए की बढ़ी हुई गंभीरता के साथ जुड़ा हुआ है। शोधकर्ताओं ने लिखा है कि आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर शरीर के वजन और फैट डिपोजिशन डायफ्राम पर दबाव लागू करते हैं, जो वायरल संक्रमण के दौरान सांस लेने में कठिनाई को बढ़ाता है। उनके अनुसार भविष्य के शोध को ये निर्धारित करना चाहिए कि मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज वायरल पैथोजेनेसिस को कैसे बढ़ाती है।